भाई स्वागत है नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम इस प्रकार की एक फोर व्हील स्टंट कार लेके आ चुके हैं, तो जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिल जाता है। वैसे ऐसे अनबॉक्स करा उससे पहले इसकी छोटी से हम डिटेल देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो रिमोट कंट्रोल है वो काम करता है 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी पर, जो कि इस प्रकार का दिखने वाला है। और ये हमारी फुल्ली फंक्शन होने वाली है। इसके अंदर 360 डिग्री रोटेट करेगी भाई साहब, ये हमारी कार है जो 360 डिग्री रोटेट करेगी, काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ में लेफ्ट लेफ्ट भी चल सकती है, राइट राइट भी चल सकती है, साइड वेज। और इसके अंदर में एक स्प्रे भी देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग कर रखी है। और इस प्रकार का हमें रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। तो गाइस निकालते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो गाइस ये देखो, सबसे पहले हमें एक पाउच देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस इसके अंदर सबसे पहले इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इस प्रकार का चार्जर देखने को मिलता है। और एक हमें इस पर स्प्रे बोतल देखने को मिलती है, और कुछ हमें स्क्रू देखने को मिलते हैं, और एक साथ इसके अंदर हमें एक यूज़र गाइड भी देखने को मिलती है जिसे आप पढ़ के इसकी सारी डिटेल जान सकते हो। तो इसको रखते हैं साइड में और निकालते हैं गाड़ी। बॉय साहब गाड़ी देखो, गाड़ी ग्रीन कलर में काफ़ी तगड़ी लग रही है। यहाँ पर इसका स्प्रे टैंक देखने को मिलता है जहाँ पर हम पानी फिल करेंगे। यहाँ पर इसका स्प्रे देखने को मिलता है, यहाँ पर लाइटिंग भी होने वाली है। उसकी व्हील देखो, व्हील है यूनिवर्सल जो कि काफ़ी तगड़े होते हैं बॉय साहब, चलने के मामले में एक नंबर की होती है। और यहाँ पर देखने को मिलता है इसका चार्जर पॉइंट, और ये है इसका ऑन ऑफ का बटन। और जैसे हम ऑन करते हैं इसके अंदर वॉइस भी देखने को मिलती है, देखना वाह, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है ना वैसे हमें आवाज़ देखने को मिलती है। और साथ में हमें आगे भी यहाँ पर लाइट देखने को मिल जाती है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी तगड़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। भले इसको ऐसे गिराओ नहीं टूटने वाली है, जोर जोर से पटको नहीं टूटेगी, क्योंकि यहाँ बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। और साथ में यहाँ पर देखो ब्रांडिंग करेगी पैंथर, यानी पैंथर जैसे दौड़ने वाली है गाड़ी। तो इसको रखते हैं साइड में, और साथ में इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इस प्रकार का रिमोट कंट्रोल जो कि गेमिंग जॉयस्टिक आती है, वैसा का वैसा हमें जॉयस्टिक देखने को मिलता है। यहाँ पर लाइट का बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पीड का बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर शायद एक इंडिकेटर देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, और यहाँ पर और कुछ नहीं देखने मिलता। और क्या देखने मिलता है गाइस, यहाँ पर दो बटन और एक्स्ट्रा देखने मिलता है। यहाँ पर क्या बात है, ऊपर वो दो बटन है, और पीछे की बात करें यहाँ पर हमें कितनी बैटरी लगानी पड़ेगी, लगभग दो बैटरी लगानी पड़ेगी हमारे रिमोट कंट्रोल को ऑन करने के लिए। तो गाइस चलते हैं इनकी टेस्टिंग करते हैं, वो देखते हैं हमारी गाड़ी किस प्रकार से स्टंट करती है। तो गाइस हमारे टेस्ट करते हैं हमारे इस कार का, वो देखते हैं किस प्रकार चलती है। सबसे पहले इसके चीज को करते हैं ऑन, यहाँ से हम जैसे ऑन करते हैं वाह भाई साहब, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है वैसी आवाज आती है। अब हमारे रिमोट को भी करते हैं ऑन, वाह जो स्पोर्ट्स कार चलती है वैसे इसके अंदर आवाज़ देखने मिलती है। हमारा रिमोट कंट्रोल भी हो चुका है ऑन, अब इसका टेस्ट करते हैं 1 2 3। अरे यार ये बंद हो जाता है, कोई बात नहीं, 1 2 3। वो क्या बात है यार, कंट्रोलिंग देखो कितनी तगड़ी कंट्रोलिंग भाई साहब, वाह एक नंबर की क्या बात है यार। ये देखो स्टंट कार क्या चलती है, ओहो क्या बात है यार, एक नंबर की चल रही है हमारी कार। आवाज़ देखो इसकी, आवाज़ कितनी तगड़ी आ रही। और यहाँ पर हमें इसके अंदर बूस्टर भी देखने को मिलता है, इस प्रकार का बूस्टर है, कहाँ गया बूस्टर, ये देखो बॉय साहब इधर से देखने को मिलेगा, क्या शानदार लाइटिंग चल रही है, और हमारा बूस्टर चल रहा है। बूस्टर के साथ इसका टेस्ट करता है, वो क्या बात है एक नंबर बॉय साहब, दोनों तरफ 360 डिग्री रोटेट करती है और चलती शानदार। ओह ये कैसे चल रही है यार, देखो देखो ये अलग ही पोजिशन है इसका, ये देखो क्या बात है भाई, चलने के मामले में एक नंबर की है, और इसे चलाने में मज़ा भी आता है, कंट्रोलिंग तगड़ी है ना इसलिए, वाह। अरे आपको कैसे लगी कमेंट में जो बताना यार। तो गाइस हमारे रिमोट कंट्रोल के अंदर डेमो का बटन भी देखने को मिलता है, डेमो का बटन दबाते हो देखते हैं हमारी गाड़ी किस किस प्रकार से स्टंट कर सकती है डेमो के बटन के अंदर, 1 2 3 क्या बात है यार, अलग अलग फंक्शन कर सकती है, वो एक नंबर भाई साहब, वाह कंट्रोलिंग भी इसकी तगड़ी है ना इसलिए, और डेमो तो आप देख ही पा रहे हो कितने शानदार शानदार डेमो कर रही है, वाह। तो गाइस हमारे स्टंट कार की पावर टेस्ट करें, पावर टेस्ट करने के लिए पीछे बांध दिया ट्रक, ट्रक के अंदर रखते हैं छोटा सा पत्थर, अब देखते हैं इसकी पावर कितनी है, 1 2 3। ओ गाइस ये क्या, फुल पावर लगा दी है लेकिन नहीं खींच पा रही है, तो इसको खाली करके खींच लेते हैं, खाली डंपर को किस प्रकार से चलती है, 1 2 3 वाह, खाली को तो आसानी से खींच के लेके चल गई यार, वाह और पीछे भी आसानी से धकेल दे रही है, वाह। तो गाइस हमारी कार की रेंज देखते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक जा सकती है, 1 2 3 वाह क्या बात है, स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है, स्मूथली चल रही है यार, और रेंज भी काफ़ी अच्छी देखने मिल रही है, अरे इधर इधर इधर, ये हमारा स्टंट कार है ना इसलिए यार थोड़ी हेड हेड नहीं चलती, इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब ये ज़्यादा स्टंट करने लग जाती है। तो
भाई आप देख सकते लगभग 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 ये हमारी 20 फीट तक चली गई है। तो गाइस मैं स्टंट कार से क्लाइमिंग करा रहा हूँ, देखते हैं क्लाइमिंग कर पाती नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमिंग है। 1 2 3 वाह धीरे धीरे जा रही है, क्या बात है, पावरफुल लगा रही। और ये यहाँ पर इसके व्हील फ्री हो चुके हैं, कोई बात नहीं ऊपर रखते हैं। ये चली बस यार, इसकी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्लाइमिंग काफ़ी अच्छी कर रही है। वाह क्या बात, बस ये फ्री वो ज़्यादा हो जाती है यार, पावरफुल लगा रही है। लगा भाई लगा जो लगा, क्या बात है। बस ये सीधे चलना थोड़ा मुश्किल है यार, ऐसे सीधा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चली 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 चली, ओ नो यहाँ पर कंकर भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यार ये क्लाइमिंग नहीं कर पा रही। बाकी आप देख सकते हो वो क्या बात, लगभग लगभग हाफ तक आ चुकी है। तो कैसे हम ऐसे ऑफ रोडिंग करा रहे, देखते ऑफ रोडिंग कर पा दिया नहीं। 1 2 3 वो क्या बात, वो अच्छा खासा कर लेती है। लेकिन ये इसकी एक प्रॉब्लम है कि यार इसके जैसे इसका ये बेस अड़ा नीचे अड़ा जमीन पे, वो ये फ्री हो जाती है इस प्रकार से। क्या बात, यानी ये हमारे स्टंट करने के लिए, सिर्फ ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं है। ये देखो ऑफ रोडिंग तो होती नहीं इससे यार, थोड़ी सी ये देखो जैसे इसका सरफेस अड़ा टच हुआ और ये बंद हो जाती है। भाई प्लान रास्ते पर आप इसे खूब चलाओ, काफ़ी अच्छी चलने वाली है। आप इसे प्लान फर्स्ट पर चलाओ, प्लान रोड पर चलाओ, प्लान घर में चलाओ, काफ़ी अच्छी चलने वाली है। बाकी ऑफ रोडिंग इसके बस की नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हम लेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।